प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार भी करेंगे। ऐसे में छत्तीसगढ़ से तीन नाम पर चर्चा लगातार बनी हुई है। बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे और विजय बघेल। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को समर्थन दिया है, 11 में से 10 लोकसभा सीट भाजपा ने जीती है, तो कम से कम 2 लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार की नजरों में छत्तीसगढ़ हमेशा 2M दर्जे पर रहा है। इससे पहले राज्य मंत्री तक का ही दर्जा दिया जाता था और हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 2 मंत्री बनाए जाए और हम भी मांग करते हैं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, तो छत्तीसगढ़ से कम 2 कैबिनेट मंत्री तो बनाया जाना ही चाहिए। 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुन के गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की निगाह में छत्तीसगढ़ हमेशा 2M दर्जे पर रहा है। इसके पहले कभी भी उन्होंने स्टेट मिनिस्टर से ज्यादा ओहदा नहीं दिया है केंद्र सरकार में। अब की बात हमारी अपेक्षा थी कि उनको मौका मिला है तो 2 कैबिनेट मंत्री दिए।